जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल लूम टेक्निक और मैं हूं आपका दोस्त वारिस। आपके सामने ये देख रहे हैं तीन जो है कि कैमनोस हैं, जिसे हम आमतौर पर लोचिस भी बोलते हैं। इसको एक्चुअल में इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में इसको कैमनोस कहते हैं और जिस पार्ट में फिट किया जाता है इसे कैमबॉस कहते हैं। एक बॉस हो गया, एक नोस हो गया, मतलब कैमनोस और कैमबॉस। इस पर देखिए ये जो ग्रिप बना हुआ है बहुत ही बेहतरीन ग्रिप बना हुआ है। कंपनी जो है कि बना कर देती है, कुछ सोच समझ करके बनाती है कि अच्छी पकड़ रहे उसकी और चलने में कोई दिक्कत ना होने पाए, इसलिए इस तरह के ग्रिप कैमनोस में भी बनाए जाते हैं और कैमबॉस में भी बनाए जाते हैं, दोनों में बनाए जाते हैं ताकि दोनों की आपस में पकड़ एकदम मजबूत रहे। चलिए इसको फिट करके दिखाते हैं। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे यही कैमनोस किस तरीके से फिट किया जाता है। देखिए दोनों सेम ग्रिप हैं, इन दोनों ग्रिप को एक दूसरे के ऊपर मिला करके ही इसको टाइट किया जाता है ताकि चलने में अच्छे हों और फिसलने ना पाएँ। ग्रिप इसीलिए होता है, किसी चीज़ में जब ग्रिप बनाया जाता है तो फिसलन से रुकने के लिए बनाया जाता है। यदि आप नट बोल्ट टाइट कर देते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा ढीला भी हो जाता है तो वो खिसकने नहीं पाता है, इसलिए इस ग्रिप को ऐसा डिजाइन किया जाता है। चलिए आपको फटाफट फिट करके दिखाते हैं। अब देखिए ये हमने उठा लिया कैमनोस और इसके ग्रिप से ग्रिप में मिला करके। इसमें दोस्तों चार सूत का नट बोल्ट आता है अक्सर। अगर आपके पास चार सूत का नट बोल्ट नहीं है तो तीन सूत का भी लगा सकते हैं, साढ़े तीन सूत का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर चार सूत का जगह है तो आप चार सूत का ही नट बोल्ट डालें। अगर चार सूत से कम डालते हैं, कम वाला साढ़े तीन सूत वाला या तीन सूत वाला डालते हैं तो आपको जो है कि बतासा वाला नट बोल्ट ना लेकर के आपको मत्था वाला नट बोल्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसको टाइट करने के लिए पकड़ बनानी पड़ेगी, दोनों तरफ से रिंच लगाना पड़ेगा, छोटा साइज का रहेगा। और जब उसके सेम साइज का रहेगा चार सूत का तो दोनों तरफ से नहीं लगाना पड़ेगा, बतासा वाला एक तरफ अपने आप पकड़ बना लेता है, आप दूसरी तरफ से केवल एक रिंच से इसको टाइट कर सकते हैं। जगह उसका होल ज़्यादा रहता है, इसलिए अगर आप कम साइज का लगाएंगे तो वो घूम जाएगा नट बोल्ट सहित, इसलिए सेम साइज का ही इसमें नट बोल्ट लगाना पड़ता है हमें। ये दोस्तों अभी कैमनोस पर हम माल चढ़वा करके आए हैं वेल्डिंग वाले के यहाँ से, आप देख सकते हैं, देखने में ही आपको मालूम पड़ेगा कि इस पर माल रखवा के आया है। तो इसकी घिसाई पिटाई भी करके दिखाएंगे आपको कैसे इसकी घिसाई करते हैं। इसके पहले हमने फिटिंग किया था उसमें घिसाई का नहीं दिखाया था, इसलिए आपको घिसाई करते हुए दिखा दे रहे हैं कि जब आप तानी न फैलाए हों, वार्प कहने का मतलब, वार्प जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में वार्प, वार्प का मतलब होता है ताना। जब तानी नहीं फैलाए होते हैं मशीन पर तब इसकी घिसाई करके बराबर कर लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि चिंगारी उड़ेगी अगर तानी रहेगा तो ताक कटने के डर रहते हैं, ज़्यादा चांसेस रहते हैं कट भी जाते हैं अगर आप सेफ्टी से नहीं करते हैं तो। अगर तानी रहता है तो भी हम कैमनोस की घिसाई कर सकते हैं ग्राइंडर से, थोड़ा सा सेफ्टी का लिहाज रखना पड़ता है कि चादर वगैरह से ढक करके तानी को घिसाई किया जाता है। दोनों कैमनोस में दोस्तों चार सूत का ही नट बोल्ट हम लगा रहे हैं, तो आप भी इस तरीके से इसे लगा करके फिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम इसको एकदम फुल टाइट नहीं कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जब मशीन चलने के काबिल हो जाएगा, पूरी फिटिंग हो जाएगी तो हमें उसे फिर से मिलाना पड़ेगा, क्योंकि टाइमिंग में थोड़ा सा लेट फास्ट रहता है तो उसे एडजस्ट करने के लिए हमें फिर से इसको ढीला करना पड़ेगा, उसको मिलाना ही पड़ेगा।
अभी तो केवल ऐसे एक आंकड़े से सही सही मिला करके हम इसको लगा दे रहे हैं। बस देख सकते हैं दोनों कैमनोस फिट हो गए अपनी जगह, ये देखें एक कैमनोस दूसरे मशीन का है जबकि दूसरा कैमनोस इसी मशीन का है, तो इसे मैच करने के लिए तो हमें ढीला करना ही पड़ेगा। इधर भी आप देख सकते हैं हमने पुराना वाला ही कैमनोस इस्तेमाल किया है इसमें, क्योंकि दूसरे पहले वाले मशीन को जब हम मॉडिफाइड कर रहे थे तो उसमें नया वाला कैमनोस यानी लोचिस लगाए थे, तो उसका जो निकला हुआ पार्ट था ये कैमनोस हमने इसमें वेल्डिंग करवा के माल चढ़वा करके रख दिया है, इस तरीके से लगा दिया है। अभी हमें इसे और भी ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा और भी ज़्यादा इसको बढ़िया ढंग से बनाना पड़ेगा। आइए अब इसकी थोड़ा इससे घिसाई कर लेते हैं। आप जब भी घिसाई करें तो अक्सर गॉगल्स का इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर करें, भूलें ना, क्योंकि चिंगारी अगर दोस्तों अगर आँख में चली जाएगी तो आँखों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए जब भी ग्राइंडर चलाएँ तो गॉगल्स यानी चश्मे का इस्तेमाल ज़रूर करें। सेफ्टी दोस्तों, इंडस्ट्रियल लाइन में सेफ्टी रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप मैकेनिकल इंजीनियर हों या कोई आम वर्कर हों या कोई भी इंडस्ट्रियल वर्कर करते हैं अगर आप, तो सबसे ज़्यादा ख्याल अपने सेफ्टी का रखें, क्योंकि आप सेफ रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। इस तरीके से हल्का हल्का ग्राइंडर मार करके उसको चिकना बना लिया जाता है। और हाँ एक बात और, जब कैमनोस को हम ग्राइंडिंग से ग्राइंडर करते हैं, इसको ग्राइंडिंग करते हैं जब, तो फ्रेम की तरफ यानी दीवालों की तरफ दबा लिया जाता है कैमनोस को, मोटाई कर ली जाती है, मतलब झुकाव दीवाल की तरफ ही रखा जाता है, क्योंकि उसी साइड में गोले का जो है कि जो फिटिंग होता है, जो बैठता है गोला एकदम सही बैठता है। देखिए दीवार की तरफ हम काट लिए हैं, रगड़ के उसको मोटा बना लिए हैं दीवार की तरफ, और अंदर की तरफ पतला रहता है थोड़ा सा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, जय हिंद।